हेलो फ्रेंड, मैं वाणी द यूनिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स, जो कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम डायरेक्ट वही सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। फादर बुके सम्मान पुरस्कार 8 मई 2022 को किसे दिया गया? फादर बुके सम्मान पुरस्कार 8 मई 2022 को किसे दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर कामिनी कुमारी, ऑप्शन बी डॉक्टर महुआ माझी, ऑप्शन सी डॉक्टर जे बी पांडे, ऑप्शन डी डॉक्टर शिल्पी कुमारी। इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर महुआ माझी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आप लोग देख लेंगे। झारखंड साहित्य संस्कृति मंच ने 8 मई 2022 को डॉक्टर फादर बुके साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह पुरस्कार डॉक्टर महुआ माझी को दिया गया। मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमारी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया था? क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी बोकारो। रांची, दुमका, लोहरदगा या बोकारो, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही आंसर होगा सी लोहरदगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आप लोग देखेंगे। हाल ही में लोहरदगा जिले में 29 अप्रैल से 1 मई 2022 को 3 दिवसीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें कुल 45 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। यह झारखंड का पहला फिल्म फेस्टिवल था। यह झारखंड का क्या था? पहला फिल्म फेस्टिवल था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5 मई 2022 को पंडित रघुनाथ मुर्मू की कौन सी जयंती मनाई गई? 5 मई 2022 को पंडित रघुनाथ मुर्मू की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 115वीं, ऑप्शन बी 116वीं, ऑप्शन सी 117वीं, ऑप्शन डी 118वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 117वीं। देखिए, इसका फैक्ट है, 5 मई 2022 को पंडित रघुनाथ मुर्मू की 117वीं जयंती मनाई गई। पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली लिपि ओल चिक्की का आविष्कारक माना जाता है। इनका जन्म तिथि 5 मई 1905 को और मृत्यु तिथि 1 फरवरी 1982। जन्म स्थान मयूरभंज, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर फोर, साइकिल चलाने के मामले में झारखंड पूरे भारत में कौन सी पायदान पर है? साइकिल चलाने के मामले में झारखंड पूरे भारत में कौन सी पायदान पे है? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी फोर्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी फिफ्थ। एक सर्वेक्षण के आधार पर पता चला कि साइकिल चलाने के मामले में झारखंड का स्थान 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे हम लोग, झारखंड को ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के मामले में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? झारखंड को ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के मामले में पूरे भारत में, पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी 28वां। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26वां। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, झारखंड के किस संस्थान में डिजिटल इनोवेशन लैब का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के किस संस्थान में डिजिटल इनोवेशन लैब का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए एम्स देवघर, ऑप्शन बी सदर कोडरमा, ऑप्शन सी रिम्स रांची, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रांची। क्वेश्चन नंबर सेवन, झारखंड के किस एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? झारखंड के किस एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा?
ऑप्शन ए देवघर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी रांची एयरपोर्ट, ऑप्शन सी जमशेदपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन डी बोकारो एयरपोर्ट। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही आंसर होगा ए रांची एयरपोर्ट, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्थ इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन का आयोजन कहाँ किया गया? फोर्थ इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मोहराबादी मैदान रांची, ऑप्शन बी मैकॉन स्टेडियम रांची, ऑप्शन सी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर होगा जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस महिला तीरंदाज ने विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? झारखंड के किस महिला तीरंदाज ने विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए अंकिता भगत, ऑप्शन बी कोमालिका बारी, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, जूनियर हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? जूनियर हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तीन, ये तीन है, ड्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, दीपा सोरेंग। तो फ्रेंड एवरी मॉर्निंग 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय।